प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकंड ईयर की सामान्य पेपर पढ़ेंगे, अधिगम हेतु आकलन। इस अधिगम हेतु आकलन के अंतर्गत हमारा जो इकाई थी, इकाई जो हमने पढ़ा था, वो था विषय आधारित अधिगम का आकलन। विषय अधिगम मतलब विषय के आधार पर हमें किस प्रकार से मूल्यांकन करना है, उसका आकलन करना, उसके बारे में बताना है। एक अध्यापक के द्वारा एक विद्यार्थी के अंतर्गत किन किन विषयों के आधार पर, किन किन गतिविधियों के आधार पर, किन कौशलों के आधार पर एक अध्यापक उसका आकलन कैसा कर सकता है, उन आकलन को समझाने के लिए हम विषय वस्तु के आधार पर आकलन जो पढ़ रहे हैं उसमें बताया गया है कि रचनावादियों ने विषय आधारित अधिगम की संपूर्ण विचारधारा के प्रमुख तीन बिंदुओं पर अधिगम को जो प्रस्तुत किया है, अधिगम का आकलन प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि पहला तो था कि अधिगम पर केंद्रीकरण करना या पूर्ण ध्यान रखना। एक अध्यापक को शिक्षण कार्य करवाते समय एक अध्यापक के द्वारा समस्त गतिविधियों को विद्यार्थी के अंतर्गत सीखनी चाहिए कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ वह विद्यार्थी उस शिक्षण को कहाँ तक प्राप्त किया है, या उस विद्यार्थी ने उसके अंतर्गत कितना ध्यान दिया, या मेरे द्वारा जो शिक्षण कार्य वो संपन्न हुआ या नहीं हुआ। एक अध्यापक एक छोटा सा परीक्षण के माध्यम के आधार पर विद्यार्थी के समस्त गतिविधियों का आकलन करता है, जिसके अंतर्गत हमने बहुत कुछ पढ़ा था कि विद्यार्थी का विषय के प्रति रुचि होनी चाहिए, अधिगम कैसा होना चाहिए, अधिगम के प्रति चिंतन मनन कैसा होना चाहिए, या उसका अधिगम का व्यापक क्षेत्र कैसा होना चाहिए, हम सब उसके बारे में पढ़ा था। उसी क्रम को लेकर आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा अधिगम पर केंद्रीकरण पूरी तो हो चुका है, ये पूरा हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे कि अधिगम पर केंद्रीकरण का अध्ययन। तो आज का हमारा प्रकरण जो रहेगा, जो हमारा आज का प्रकरण है कि अधिगम प्रक्रिया वो कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार होनी चाहिए, हमें कौन से विषय पढ़ने पड़ेंगे जिसके अंदर हम अधिगम प्रक्रिया है, करके नहीं बार बार सुन जाए नहीं अधिगम हो रहा है सीखने सीखना है इसका मतलब होता है सीखना सिखाना प्रक्रिया मतलब क्रिया या प्रतिक्रिया अध्ययन द्वारा होता है अभ्यास। तो अभ्यास तो मतलब कहना है कि हमें सीखने सिखाने की क्रिया प्रतिक्रिया का अभ्यास इस प्रकार से करना चाहिए। हम उसके अंदर पढ़ेंगे तो हमारा आप पढ़ेंगे अधिगम पढ़ेंगे इसकी भूमिका क्या, सबसे विवरण क्या, तो हम इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन है क्या। तो इसके अंतर्गत अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत बताया गया कि अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप उस स्थिति में उपयोगी बनाना चाहिए जब शिक्षक के द्वारा अधिगम कार्य करवाया जाता है, तो उसके उपयोग एवं प्रक्रिया के प्रति पक्ष की समीक्षा के लिए प्रेरित करना। मतलब हम अध्यापक जब भी शिक्षण कार्य आपके सामने प्रस्तुत करता है तो अध्यापक और विद्यार्थियों के मध्य अंतर संबंध होना चाहिए कि जिसके द्वारा एक अध्यापक द्वारा पढ़े गए शिक्षण के अंतर्गत विद्यार्थियों ने कहां से सीखा और उसकी एबिलिटी कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अधिगम प्रक्रिया के अध्ययन में यह ध्यान रखना चाहिए अध्यापक को कि अधिगम जो हो रहा है वो विद्यार्थी स्तर अनुसार हो रहा है या समस्त गतिविधियों का चयन करके एक अध्यापक को अपना कार्य करवाना चाहिए। एक अध्यापक को एक ध्यान रखना चाहिए कि
मेरे द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण कार्य के अंतर्गत विद्यार्थी के अंदर विद्यार्थी ने कितना सीखा और उसकी एबिलिटी उस कहां तक है, मतलब विद्यार्थी एक अध्यापक को उस स्तर के अनुसार अपने शिक्षण कार्य को प्रतिरूप रेखा तैयार करके प्रारूप तैयार करके अधिगम के लिए उसको प्रेरित करना एवं समस्त गतिविधियों का चयन करके उसके सामने प्रस्तुत करना कि अधिगम कैसे करवाया जा सकता है, आपको कैसे याद करवाया जा सकता है। तो उन सभी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त विवरण दिया, इसकी जो प्रक्रिया है इसको हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज के लिए मेरे को इतना समझाना था, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।